उधर खुरई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय बना है। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े पहलू इस संग्रहालय में चित्रित किए गए हैं। नगरीय प्रशासन निधि है, संविधान निर्माता को समझने के लिए ये संग्रहालय बनाया गया है। संविधान के हर पहलू को समझने के लिए संग्रहालय का निर्माण किया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। संविधान निर्माता थे और हर जगह मनाई जा रही, लेकिन सागर जिले की खुरई विधानसभा में एक ऐसा कार्य हुआ है जिसे महू में आपने देखा होगा। मेरे साथ इस वक्त इसका निर्माण करवाने वाले, इस काम को आगे बढ़ाने वाले यहाँ के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह जी। भूपेन्द्र जी, बड़ा अलग तरह का संग्रहालय, ये कहाँ से मन में आ गया? नहीं देखिए मनोज जी, लगता था कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती तो हम लोग हर वर्ष मनाते हैं, पर खुरई में कुछ इस तरह से हम लोग करें कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में हमारी पीढ़ी जान सके, समझ सके, और ऐसा कुछ हो जाए जिससे एक अलग पहचान खुरई की डॉक्टर अंबेडकर साहब के जीवन को लेकर बने। बाहर से लोग यहाँ पर आए, इस संग्रहालय को देखें, और देखिए आप कितनी बारीकी से एक एक चीज यहाँ पर, पंचतीर्थ बाल का ये निर्माण किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर साहब जहाँ पर जिस टेबल कुर्सी पर जिस तरह से बैठते थे, लिखते थे, वो पूरा यहाँ पर बताया गया है। जो हमारी सरकार ने पंच तीर्थ बनाए हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो एक एक संग्रह को डॉक्टर अंबेडकर साहब के यहाँ पर बताया गया है, और कुल मिलाकर आज ये जो यात्रा है या डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में अगर युवा पीढ़ी को या देश को जानने का अवसर मिल रहा है, तो इसका सारा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय स्वराज जी को जाता है, जिन्होंने इसके लिए बजट की व्यवस्था की और जिनके आशीर्वाद से हम ये संग्रहालय। कितना लागत आई है इसमें? ये सब मिलाकर 5 करोड़ की लागत से पूरा, जगह मिलाकर, और 3 करोड़ भवन की लागत आई है, सब मिलाकर 5 करोड़ की लागत आई। और इसको हम आगे चल के शोध केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं, शोध केंद्र के रूप में। तो यहाँ पर एक शोध को लेकर भी विद्यार्थियों को ठहरने से लेकर और पूरी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी, और पूरे समय यहाँ पर क्लासेस चलेंगी जिनमें संविधान के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में प्रत्येक दिन लोगों को बताया जाएगा। तो ये संग्रहालय बड़ा अनूठा है, बड़ा अलग है। वैसे तो कई संग्रहालय बने हुए, लेकिन आधुनिक दौर का संग्रहालय है। यहाँ ऑडियो वीडियो तमाम तरह की चीज़ें, यानी आप सोशल मीडिया पर देख सकते तो वो भी दिख जाएगा, यहाँ आकर फोटोग्राफ देख सकते वो भी आ जाएगा, और काम ऐसा होना भी चाहिए जिसको जीवन भर याद रखा जाए। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, खुरई।